अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट ऑफ होम बाय नफीसा। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा इजी एक सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप आसानी से या तो ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या तो दोपहर के लंच में बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी रेसिपी के साथ चलिए बनाते हैं पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पैन चढ़ा लूँगी और पैन में मैं डालूँगी 1 चम्मच सरसों ऑयल। तो यहाँ पर मैं ये सब्ज़ी को सरसों ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहे तो किसी और तेल में भी बना सकते हैं। तो जैसे ही सरसों ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो जाएगा, मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 हरी मिर्ची, जिसको मैंने इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। और ये दोनों डालने के बाद इसे अच्छे से मैं आधा मिनट तक पकाऊंगी ताकि ये चटक जाए। तो जैसे ही ये दोनों चटक जाएंगे, मैं इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूंगी, जो कि मैंने मीडियम साइज़ का लिया है। तो प्याज डालने के बाद इसे भी अच्छे से मैं मिलाऊंगी तेल के साथ और कम से कम इसे हल्का जो है गोल्डन ब्राउन होने तक 1 से 2 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो गए थे और प्याज की नमी भी ख़त्म हो गई थी और हल्का प्याज का कलर चेंज हो गया था। तो बस इससे ज़्यादा मुझे इसे फ्राई नहीं करना है और इसी टाइम मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको डालने के बाद इसे भी हम प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे भून लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भून लिया है और बस अब इसी टाइम मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में सबसे पहले मैं ऐड करूँगी यहाँ पर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और साथ ही मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून डालूँगी काली मिर्च पाउडर। तो ये चारों जो सूखे मसाले हैं वो मैंने डाल दिए हैं और इसको भी मैं 1/2 मिनट तक भून लूँगी ताकि इसका भी कच्चापन थोड़ा सा चला जाए। और इसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। तो टमाटर को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करेंगे। और मैंने यहाँ पर टमाटर ऐड किया है, तो इसी टाइम मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक, जो कि मैंने अभी तक नहीं डाला था। तो मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी और उसके बाद फिर से मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी ताकि टमाटर और हर पूरे मसाले में जो है नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको मैं ढक कर कम से कम 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी ताकि टमाटर और सारे मसाले अच्छे से पक जाए और टमाटर गल भी जाए। तो यहाँ 2 से 3 मिनट हो गए थे और सारा मसाला और टमाटर दोनों अच्छे से पक गए हैं, टमाटर अच्छे से गल भी गया है। तो बस इसी टाइम मैं इसमें ऐड कर दूंगी पत्ता गोभी। तो मैंने पत्ता गोभी को एकदम बारीक कट करके रखा हुआ है, धोकर मैंने अच्छे से स्ट्रेनर में पूरा पानी निकाल लिया है, क्योंकि पत्ता गोभी वैसे ही काफ़ी पानी छोड़ता है। तो मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी को अच्छे से साफ़ करके रख लिया था। तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी डालने के बाद इसे अच्छे से हम मसालों के साथ मिक्स करेंगे। और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढक कर हम कम से कम 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गया था और देखिए पत्ता गोभी कितना पानी छोड़ दिया है। और पत्ता गोभी ना बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाता है और इसको ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी डालो तो ये गल के बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पर साथ में मैं ऐड कर दे रही हूँ एकदम फ्रेश मटर। तो अभी जो मटर आ रहा है तो इसे हमें अलग से बॉयल नहीं करना पड़ता है, तो मैंने एकदम फ्रेश मटर बिना बॉयल किया हुआ इसमें डाल दिया है, क्योंकि वो पत्ता गोभी के साथ ही गल जाएगा। तो उसको डालने के बाद इसे भी मैं अच्छे से मिला दूंगी इसके साथ और फिर से मैं इसे ढककर कम से कम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। और इसमें पानी है अभी, तो इसलिए मुझे कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी बिना पानी के ही इसको इसी के पानी में ही ढककर गलाती हूँ।
तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट हो गए थे और पत्ता गोभी और मटर ना दोनों अच्छे से गल गए हैं। तो 1 से 2 मिनट तक मैं इसे और पकाऊंगी और सब्ज़ी का कलर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ गया है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी सब्ज़ी की रेसिपी है, आप आराम से इसे ना एकदम सुबह सुबह फटाफट नाश्ते के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1 मिनट भी हो गया था और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरा धनिया, तो जिससे ना इस सब्ज़ी का फ्लेवर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ ही जाएगा और देखने में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसे हम सब्ज़ी के साथ अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। तो बिल्कुल इजी सब्ज़ी की रेसिपी आपको मैंने यहाँ पर बताई है और आप इसे ना किसी भी तरह के पराठे के साथ, सब्ज़ी रोटी के साथ या फिर चावल के साथ खाइए, आपको ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इस ईजी पत्ता गोभी की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। Bye.